वेलकम बैक टू न्यूज़ ब्लॉग। आप देख रहे हैं सोनिया खुशी क्लास। इधर ही आ जाओ ना, वहाँ तक क्या देख रहे हो। तो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और कल का व्लॉग में लास्ट में मैंने बताई थी कि ये शाम को गए हैं रात अपने उसे पैंटिन की आगे थी फटी हुई, उसे चेंज करने के लिए गए है। और साथ के साथ मैंने ये भी बोला है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक चीज़ बदलने जा रहे हैं और कुछ लेके नहीं आ रही। मेरे को पक्का भरोसा है लेके आएंगे जरूर। अरे देख लो, वही एक पेंट चेंज करने गए थे। हाँ जी, तो देखो एक निकाली मैंने, एक ये कमीज है, एक टी शर्ट है, तीन कैप है और दो लोअर है। इसमें एक पैंट है चेंज करने के लिए गए थे, जॉगर टाइप की होगी, जॉगर टाइप ही अब लेके आएंगे। तो अभी ना आंदो, इनके रिएक्शन कर देते हैं। और मैं कल ऐसी मजाक कर रही हूँ, मैंने पैसे दो मेरे को, मैं सूट लेके आऊँगी अपने लिए। अरे अपने का ही तो चलो, तो वही अभी मैं देख लो क्या कर रहा है, ये रखने पड़ेंगे शायद। तो कैप टूटा ही है ना, ये इसी के अंदर है। ये देखो, ये लगा हुआ जो कैप मुड़ा है ना अंदर से, यही पहन के बैठ जाती है ना। ये मैच भी कर गई मेरे तो, मैच हो गई। रात को आया लेट 1:30 बजे। और क्या, 1:30 बजे आए, दे ऐसे देख रहे मेरी तरफ जैसे मैंने क्या झूठ बोली हो। तो रात आए 1:30 बजे, मैं तो सो गई थी। तो और हाँ जी, आइए इधर आइए जरा। तो मैंने पहले कही ना कि लड़कियाँ तो वैसे, लड़कियाँ लेडीज तो ऐसे ही बदनाम है बस शॉपिंग करने की है। ये लड़की और लेडीज तो ऐसी बदनाम है बस, जेंट्स भी कहीं कम नहीं है। हाँ जी, क्या है इतना सारा कपड़ा? एक पैंट चेंज करने गए आप? मैं हूं टाइम खराब हो रहा हूं। हां, मैं कहता हूं मैं हूं ये सब। मैं कह रही मेरे लिए भी कुछ ले लिया, नहीं कह रही तेरे लिए लाना कुछ। एक्चुअली क्या है वो, धूप लग रही है कैप ले ली। अच्छा, जब सारी धूप निकल गई जब कैप ली है अभी नहीं। अच्छा, नए पैटर्न की शर्ट ले ली। हाँ, ये चल दिए जिम के लिए ना। देखो मेरे पैर में, पूछ रहे मेरे पैर में तेरे भगवान नाम यम है। अब यम हो भगवान हो एक चीज ही बोलो, तेरे तो भगवान। तो फिलहाल ये चल दिए जिम के लिए, मैं आज इन्हें जाना थोड़ा जल्दी, आज टाइम हुआ सिर्फ अभी 7:30 को, 7:30 पौने 8 का टाइम हो चुका अभी का। तो आज व्लॉग टाइम से आ जाएगा, बिल्कुल फिक्स टाइम पे आ जाएगा 8 बजे। तो अभी जा रहे हैं, फिर मिलते थोड़ी देर में। मैं कर लूँ लंच की तैयारी, और आप कपड़े वगैरह धोए सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं वो उधर। पहले ये कपड़े उठा लेती हूँ, सारा सेट कर लेती हूँ घर, या फिर हाँ जी लाल वाड़ी भी रखी हुई है। अभी ले जाओ, रखिए बाहर। तो ये अभी ले जाओ, जब बाहर रखिए तो ये। चलो कर लेते हैं हम अपना काम के बाद फिर। अब कितना परसेंट हो, कितना परसेंट होगा? 39। नया फ़ोन है, पिछले साल फ़ोन लेके आए हैं, इनके तो 6 महीने ही हुए हैं और चार्जर ख़राब हो गया एप्पल का। बताओ कोई बात है? तो भी कपड़े सारे उठा के रख दिए फिलहाल अभी इधर, क्योंकि फ्रेश होएगी। और इधर आ गई मैं किचन में, इधर अब अभी फिलहाल मैंने छोले उबाल दिए इनके लिए, और इधर बना रही हूँ सब्जी चढ़ा दी है। आज इन्हें जाना है जल्दी थोड़ी, तो सब्जी में लगा दी छोला। सब्जी बनाऊँगी आज आलू की और छोले की, मैं थोड़े से छोले उसी में से निकाल दिए, छोले और हरी दाल। लंच के लायक ही बनाऊँगी क्योंकि रात की भी बची हुई है थोड़ी सब्जी। तो फिलहाल अभी
तो भाई ये हो गए हैं तैयार हो जाने के लिए बिल्कुल। आज इनका यू लुक है, वो जूते के साइनिंग मार रहे हैं, ब्लॉग में देखेंगे तगड़े आएंगे। अभी फिलहाल मैं इनके लिए ले आया हूँ रुमाल। आज मौसम ऐसा हो रखा है, मेरी अलमारी सारी देखो कैसी हो रखी है, आज सारी सेट करनी है मेरे को। माल आ नहीं रहे ऑफिस चले तो जाते हैं, आते नहीं है पर तो स्मार्ट लग रहे हो वैसे तो, पर वो आपके सर पे कैप अच्छी ना लगती, आप इस कैप को सो ऐसे लगे ये फंकी स्टाइल में। हाय हाय बाय, वैसे लगाओ पीछे टेडी करके, हाय मैं मर जावा। क्या ये रहे ना इधर से, ये आपकी वॉच रुमाल ले लियो, आपकी फाइल, देख लो आपका लंच बैग में डाल के दे दूँ, छोले फोन फाइल नहीं। तो भाई ये चले गए हैं, अभी फिलहाल मैंने कर लिया सूट चेंज और बुआ जा रही है, उन्हें देखवा रही हूँ बैठ, बुआ जा रही है उन्हें विदा करने के लिए। चलो तो भाई आज हमारी बुआ जा रही है और बुआ बैठी है बिल्कुल तैयार, बुआ विदा करने के मार बैठे हैं, चली जा मैं जा रही, बुआ बैठ देना आ गए, बुआ यहीं आ गई तो फिर तो बुआ का बुआ लगा मत जाओ ना जो कह ना जाओ ना जाओ, क्यों ना जा गई यार, तो मैं बड़ा चाव चल रहा हूं, तुम देखे पर के खुद नहीं कह रही मैं 10-15 दिन को आई, भाई मैं रुकती नहीं तुम्हारे हो ना, एक पड़ोस में भूख लग गई वक्त चोट लग गई इसलिए मैं जा रही। चल कोई बात ना, तीजन पा जाइयो फिर, फिर ये तीजन तय रक्षाबंधन तक फिर होता है भाई, दोनों बहन हाँ दोनों आएंगे। तो भाई बुआ ने ब्लॉग में प्रॉमिस कर लिया पूरा रखूंगी 10-15 दिन को रह रहे ना, 12 दिन तक, 12 दिन की हाँ, तो वही 10-15 दिन हो जाएंगे, तीजन वाले दिन ही थोड़ी आओगे, तीजन से पहले तो आओगे, रात वाले दिन भी ना जाएंगे तो वही 10-15 दिन रक्षाबंधन तक रुकेंगे, 15 दिन की पक्को प्रॉमिस हो चुका, डन हो चुकी है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, अब आप देखो जाए क्या उन्हें, अभी उनके गई नहीं है, बुआ के बिल्कुल पड़ोस में है जिनकी चोट लगी है उनके बाबा है, तो इस चक्कर में जान पड़ रहा है, जो माँ है ना मतलब हमारी माँ है इनकी फ्रेंड है वे, तो उनको ज्यादा उठा बैठा, इस चक्कर में जानी पड़ रही है, पक्का वाड़ी है, आदमी तो वाड़ी कह दे और कहाँ कहे, सहेली तो वैसे कह हुए हैं, अभी तो दोस्त कह हुए पर जैसे वाड़ी फ्रेंड भी कहे, ये तो कह ही देवे, अब जैसे वाड़ी 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 को कहाँ कहे भाई, और कहाँ कहे वाड़ी तो पता ना, हाँ नहीं तो और कहाँ कहे भाई, अच्छी सहेली कह दे, फ्रेंड कह दे, दोस्त दोस्त भी कह दे, पर जैसे यू वाड़ी शब्द है वहाँ पे नो। तो चलो भाई आप बताइए कमेंट करके कि लड़की ने अगर लीजो लेडीज कह रहे आप, तुम्हारी सास है, सास है लगती है पर वैसे तो हाँ। एक सेम साइज कह रही हूँ, सेम एज के हो ना, बहुत फर्क है, तुम एज तो हमारी में उनकी में बहुत है, वो होगी कम से कम 65-70 साल की और आप, मैं हूँ 52 साल की, वो तो कितना फर्क है 8-10 साल को, तो ना 8-10 साल को कैसे हाँ? वो होगी 65-70 की और मैं हूँ 52 की, 20-12 साल को ही तो 10-12 को क्यों है, अभी तुम कह रही हो 65 साल की है, मैं 52 साल की हूँ तो 12-13 साल को फर्क सत्तर की होगी, चाची से याद आ, चलो कोई ना तो अपन जो है वहाँ को मन है बस, चल तो चल बस वो ही देख चलेगी क्या, चल तो भाई चलो मिलते हैं कुछ देर में, अभी तो बुआ बैठी है बात कर लेंगे हम। तो भाई हमारी बुआ चल रही है आज, हमें कह रहे बुआ और रुक जाओ अभी चोख मन लग रहा, फिर कह रही ना मैं जाऊँ मेरे पोते पोते डोल रहे हैं, ये मन पता ना पोते पोते डोल रहे होंगे जिन को पक बनने लगा,
सुबह थे राजी हो रही, आज ससुराल गोड़े गोड़े चाव चढ़ रहा, आज बुआ गोड़े गोड़े चाव चढ़ रहा हूँ भी आज। मेरी कोई अलग बात नहीं ना, तुम भी जाओ, तुम भी ऐसी आओ चाव। सही कह रही हो, देख सबकी बात भाई। चाव गेल पाम उठे, चाव गेल पाम उठे, आज अंकल लोग कह रहे चाव गेल पाम उठे सब की बात। तो भाई हमारी बुआ चल रही है अपना बैग जोड़ा जिंदा उठाए के वापस कर दे माँ, अब कर दो भाई बाय बाय बुआ, बुआ भेज दी जब हो जाएंगी। ओ हो माँ देखियो तो सही, अकल दो तीनों गई, एक डेढ़ महीने में गई है, ऐसी यू कह रही है। मेरे को सब चीज की मौज है, सारा परिवार है तेरा, मौज आ रही है तो सब चीज की मौज। पोते पोती अपनी घर ग्रस्ती माँ बेटी कर लगी रहे अपने, जा अपने घर। तो गाइस बुआ हमारी चली गई है बैठा के, अभी आई है घर और माँ ली आई हाँ कोई मन की माँ चल अनित रोती रहेगी। माँ कितनी रोई है, माँ इतनी क्यों रोई तुम, चलना पूछ रही तुम जो कह रही मेरा बिल और चिट रही है ना। तो भाई बुआ हमारी गई है आज, कल पिंका दीदी भी चली गई है ना, मत रहो हम तो पूछ रहे हैं, मत रहो भाई मत रहो, टीवी देख लो माँ, आप टीवी देख लो अने फिर रोल लगेंगी। तो भाई अब हम भी ना बच्चे फूफियर भी गई, जब तो फूफियर सारा टाइम कट रहा है, अभी मैंने फ़ोन कर दिया मम्मी के पास और मम्मी कल हमारे बाल करने भिजवा दो, मार घर हो गया बिल्कुल खाली, मार मन नहीं लग रहा, जब तो बाल करने बाल खो रहे हुए खेलते रहे हुए, जब तो पहले वह चले गए निकोर, पहले निकोर चले गए, फिर मोंटी हर चले गए, फिर पिंका पिंका चली गई कल, आज बुआ चली गई, आज कतई खाली नहीं। तो भाई अब मोंटियर आएंगे कल, अभी फिलहाल कर दिया मैंने फ़ोन उनके पास और अब करूँगी मैं अपना फॉर्म, मेरा फॉर्म फैला पड़ा आज सुबह का ही सारा ही, प्रेस के कपड़ा देखो अंदर कितना ढेर लग रहा है, तो कुछ कपड़े जाएंगे प्रेस होने के लिए वे निकाल कर रख देती हूँ अलग, और कुछ जो मैं करूँगी उन पर कर लेती हूँ मैं अपना लगा के बेड पर प्रेस चला के एसी, क्योंकि कूलर की हवा ना लगे भाई, अब तो जब तक बादल से ऐसे हो रहे ना इससे तो उमस उमस सी और ऐसी चिपचिपाट सा मौसम रह गए, बेकार रह गए। जब फ्री बैठे रहे ना जब ही अच्छा लगे, यानी तो ऐसे रहे चिपचिपाट सा। तो भाई चलो फिलहाल अभी कर लेते काम, काम रह रहा हूँ मेरा बस, खाना बनाना रह रहा हूँ मेरे लिए ही, सिर्फ ये तो चलेगी ऑफिस को मेरे लिए ही खाना बनेगा, और ना बस जब जब ये बनवाते थे तो मैंने तो छौंक दी इसलिए वो बना दिया, छोले वोले सब बना दी और सब्जी छौंक रही थी, कह लगे कि सब्जी मत छौंक अभी, तो प्याज व्याज सब काट के डाल दी मैंने, हमने चटनी सी बनी रखी है, प्याज के टमाटर के जो मसाले भुने हैं ना वे भुने रखे, कह रहे सब्जी मत बना मैंने खाऊ रोटी आ दिया, जी ठीक है तो भाई आप बाहर खाना है तो आप, फिर मैंने उनको छोले वगैरह लस्सी वगैरह बना के दे दी, वे चले गए सुबह, आज वे 8:30-9 मत चले गए, हाँ कह रहे फिर 1-2 खाएंगे कतई ऐसी हो जाएंगी, बेकार बेकार सी हो जाती है 1-2 तक। हाँ तो चलो भाई अब कर लूँ मैं घर का काम, पहले बना लूँ अपने लिए खाना फिर खा के फिर मिलते हैं। तो इस नहा धो के आ गए माँ के पास, सारा काम निपटा लिया और नहा भी आ गया, आके भी आ गई और हमारी माँ को मन नहीं लग रहा आज मारो ये मत दो बुआ पिंका दीदी इतना याद कर रही है, कह रही है मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो बुआ की आवाज सुन रही हूँ, मुझे कह रही है कमला, मैंने कहा हाँ कमला कमला बुआ तो फोन आ रहा हूँ, फोन ना आ रहा हूँ, फोन आ रहा हूँ मैंने, फोन ना आ रहा, व्लॉग एडिट कर रही हूँ। हाँ। तो माँ की बेटी चली गई है और बुआ हमारी भी चली गई है, घर को तो खाने को आ रहा हूँ ना, बालक ना कुछ या वक्त रहे और बड़े बड़े सर यार, टाइम ना मीटिंग चलती रहे भाई, आ रहा हूँ तो बैठ टाइम का ठीक है
पता ना चला ही पूरा दिन गैस पर जावे हो आदमी देखते हो वैसे सब है ना पर भत हो जावे तो बुआ जी मिस यू दीदी जी मिस यू तो भाई चाय भी बना के पी ली और तो कमला मैं दूर डटे भी लोई कर दी जब भी इतनी याद आ रही है जाना पता लो कहां को ऐसे ही रूम छो पी खा के पी के कर दो ना उठे कर लो अब वीडियो देखेगी कल लो अब लड़ेगी कि बहुत प्यार ना करे मां क्या है कर लो तो हम तो ना करे मां प्यार भाई लोग सब नहीं करे प्यार तो कोई बुरी तो चलो अभी फिलहाल वॉक करने चलेंगे मैं कर लूँ चेंज करके फिर चलते हैं तो भाई आ गए वॉक करने और वॉक करके आके बैठ गए हैं डंडा पे खा रहे ठंडी ठंडी हवा और कोई भी नहीं यार बैकग्राउंड में इतनी फ्रेश हवा चल रही है बिल्कुल ठंडी ठंडी और मन लग रहा खूब पर पीठ फेर के बैठ के सड़क पे कोई आओ कोई जाओ कोई दिक्कत ना हो अपने घूंघट कर ले रहे जो कोई आवे तो ना तो अपने बैठे मजे से तो दो माँ जी और हमारे साथ वे आगे बैठे है थोड़ी सी उधर वे बैठती हैं वे उंगे बैठी है देखो दिख रही नहीं है बैक कैमरा दिखाऊं माँ जी वे बैठी हों और दो हमें यहाँ बैठे ठंडी हवा में पता ही इंजॉय कर रही है तो गाइस चल दिए घर ठंडी हवा खाते खाते अपना फुर्सत तो आ रहा होते हैं घर को काम सारा फिनिश करके आए सब्जी वगैरह बनाए गए बहन जी का हाँ तो अपना तो सारा काम निपटा के तब आए अब चल रहे हैं ठंडी हवा खाते खाते घर इसे देखो खाना मैंने बना लिया ये आई नहीं है और अभी वैसे टाइम भी नहीं हुआ इनका आने का ये ऑलमोस्ट ज़्यादा पर 9:30-11 इसके बीच में ही आ गए कहीं काम हो जाए तो लेट हो जाएगा इनका और ये ऐसे टाइम हुआ नहीं है बस बर्तन रहते हैं मैं बर्तन साफ कर लूँ उसके बाद खाएंगे खाना तब तक सीटी आ जाएगी इसमें तो भाई आ चुके हैं और आके लेट भी गए हैं सारा काम फिनिश हो चुका है अभी फिलहाल ब्लॉग का एंड करना रहता है ब्लॉग कर देते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक आप करो ये वाला ब्लॉग इंजॉय आई होप आपको अच्छा लगा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय